हरियाणा H9PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। झज्जर से आएगी मारुति प्लांट के लिए बिजली, निशानदेही का काम शुरू। जल्द छोड़ी जानी है टेंडर, जहां टावर लगेंगी वहां किसानों को मिलेगा कंपनसेशन। एक तरफ खरगुदा IMT की 800 एकड़ जमीन में मारुति प्लांट निर्माण का कार्य शुरू होना है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मारुति प्लांट के लिए बिजली की व्यवस्था झज्जर साइड से की जाएगी, जिसके लिए स्पेशल बिजली लाइन लगाई जानी है। टावरों के माध्यम से बिजली खरगुदा IMT में पहुंचेगी। इसके लिए HSIIDC जल्द ही टेंडर भी जारी करेगी। एस्टिमेट बनाने की कार्यवाही जोर शोर से चलेगी। यह लाइन अधिकतर KMP के साथ साथ गुजर सकती है। हरियाणा विद्युत निगम से इसकी मंजूरी ली जा चुकी है। बताया जाता है कि मारुति कंपनी में प्लांट निर्माण का कार्य करने में जो बिजली प्रयोग होगी वह सैदपुर से दी जा रही है, उसके लिए भी स्पेशल लाइन लगानी जा चुकी है। लेकिन मारुति कंपनी के हाईटेक प्लांट के लिए 220 या 440 हाई वोल्ट हाई पावर बिजली सप्लाई झज्जर प्लांट की तरफ से आनी है। इस लाइन के लिए जगह चिन्हित की जा चुकी है। IMT इलेक्ट्रिकल SE ईश्वर सिंह बालन ने बताया कि मारुति प्लांट के लिए स्पेशल बिजली लाइन झज्जर से आनी है। इसके लिए वहाँ पर प्लांट अलग से सेट कराया जा चुका है। हरियाणा विद्युत निगम से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इस पर कार्यवाही की जानी है। हरियाणा विद्युत निगम टावरों के माध्यम से खरगुदा IMT तक बिजली मुहैया करवाई जाएगी। इसके लिए जल्द ही टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू होनी है। वर्ष 2023 तक बिजली यहां पर पहुंच जाएगी और प्लांट की पूर्ति हो जाएगी। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।